नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज़ है प्लॉट चेंज से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में आज मैं आपको एक और नए विषय पर कुछ खास बातें बताना चाहूँगा कुछ क्या मैक्सिमम खास बातें बताना चाहूँगा आज का जो विषय है वो है फर्श की ढलन आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है यानी उत्तरमुखी है तो आपको अपने यहाँ पर फर्श की ढलन कैसे करनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार फर्श की झलान का बहुत बड़ा रोल होता है फर्श की झलान जिस घर की सही हो जाती है तो काफी हद तक वास्तुदोष कम हो जाते हैं कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदरूनी बेनिफिट देती है और जो फर्श का ढलान है वो हमेशा ही अंदरूनी बेनिफिट देता है और कई बार पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है कैसे कैसे वो लोग आगे बढ़ गए फर्श के ढलान सही होते ही उस घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो आपको अपने प्लॉट के अंदर फर्श की ढलान कैसे करनी है साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आपकी फ़र्श की ढलान आनी चाहिए यानी साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो एरिया आपका ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका नीचा होना चाहिए यानी जब आपका पानी साउथ वेस्ट से चले तो बहता हुआ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आना चाहिए आपने अपनी बिल्डिंग बीच में बनाई हुई है और तीन तरफ से ओपन छोड़ है बिल्डिंग आपकी पश्चिम दिशा में बनी हुई है आपने साउथ में बैक साइड में भी ओपन एरिया रखा है नॉर्थ में भी ओपन एरिया रखा है और आपने ईस्ट में भी ओपन एरिया रखा है तो ऐसे में फर्श की ढलान कैसे होनी चाहिए जो आपका साउथ का भाग है साउथ जोन है दक्षिण का जो भाग है उसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान लेकर आए और साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ईस्ट की फर्श की ढलान लेकर आए उसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान लेकर आए और जहाँ आपने अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ है वो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में है या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में है वहाँ पर आप वो सारा कनेक्शन कराएंगे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका फर्श का ढलान सही हो जाएगा रेन वाटर पाइप भी आपकी नॉर्थ में ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में ही आनी चाहिए यानी पूरी छत का ढलान भी आपका नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट के पार्ट में ही आना चाहिए ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है ये तो होगी फर्श की ढलान कि आपके नॉर्थ ईस्ट में आ गई और आपने वही पानी गली में निकालना है तो वही पानी आपका मेन गेट के नीचे से पानी बाहर निकल सकता है यानी जो फर्श की ढलान है वो डायरेक्ट आपकी नॉर्थ ईस्ट से होती हुई बाहर निकल जाएगी वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे ढलान हमेशा ही फायदेमंद होती है आपने अपना मेन गेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाया हुआ है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपकी दीवार बनी हुई है तो वहाँ पर एक नाली भी बना सकते हैं वहाँ से पूरे घर का फर्श की ढलान का जो पानी है वो सारा पानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से बाहर निकलेगा तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो इस प्रकार आप अपने प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट के भाग में फर्श की ढलान कर सकते हैं मान लीजिए आपके प्लॉट की चौड़ाई कम है तो आपने बैक साइड में भी ओपन एरिया रखा और फ्रंट में भी ओपन एरिया रखा है तो ऐसे में साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर फर्श की ढलान आएगी वहां से पाइप के थ्रू ईस्ट की दीवार के साथ साथ वो पाइप आपकी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आ जाएगी यानी जो साउथ का पानी है वो ईस्ट की दीवार के साथ साथ पाइप के थ्रू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ जाएगा और जो आपका फ्रंट का भाग है उसकी फर्श की ढलान नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ही आएगी तो ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपको हमेशा ही फायदा मिलेगा जो पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो चुके हैं और मेरे तेईस सालों का जो अनुभव है घर बनाने के लिए मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताता आ रहा हूँ जैसे जैसे ये सीरीज़ हमारी आगे चलेगी इसमें सारे पॉइंट आपके एक एक करके क्लियर होते चले जाएंगे आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेज हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा है और इस पुस्तक को उन्होंने समाज में बांटा और समाज इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु के प्रति जागरूक हुआ आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरी जो ये सीरीज चल रही है प्लॉट चेन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ की सारी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार